दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान में क्यों नाराज हैं लोग बाबर आजम से, जानिए जाले किंग बाबर आजम की पूरी सच्चाई। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी सरफराज खान और बाबर आजम में से टीम पाकिस्तान का बेहतरीन कप्तान किसे मानते हैं, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की कप्तानी में एक बार फिर 2020 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई है। दोस्तों बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान इस वर्ष भी अपने कैरियर बैटिंग ऑर्डर के साथ मैदान पर उतरी। नतीजन टीम पाकिस्तान को 2020 के पहले राउंड बाहर हो जाना पड़ गया। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब टीम पाकिस्तान दूसरी टीम पर निर्भर रही हो। इससे पहले भी साल 2021 और 2022 में पाकिस्तान की टीम दूसरी टीम की वजह से फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंची थी। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में फिसड्डी साबित हुई है, यानी कि चारों खाने चित। दोस्तों पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर अहमद सजाद ने बाबर आजम को जाली किंग बाबर आजम कहा है। उन्होंने कहा कि बाबर के रिकॉर्ड सिर्फ छोटे टीमों के खिलाफ बेहतर हैं, बाकी बड़ी टीमों के सामने आते ही बाबर की हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों पाकिस्तान के लोग इस वक्त कप्तान बाबर आजम से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। दरअसल उन्होंने ही कप्तान बाबर आजम को किंग बाबर का दर्जा दिया था, जिन पर कप्तान बाबर आजम ने सभी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को ना सिर्फ कप्तानी बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी निराश किया। तो दोस्तों कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर पर रखेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।